वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया एनडीए 3.0 का पहला पूर्ण बजट। विकसित भारत के लिए 9 सूत्रीय रोडमैप का ऐलान। साल 2024-25 में देश के विकास पर खर्च होंगे 48,21,000 करोड़ रुपए। एनडीए 3.0 के पहले बजट का फोकस रोजगार सृजन, कौशल विकास, एमएसएमई सेक्टर और मध्यम वर्ग पर। वित्त मंत्री की नीतियों के केंद्र में गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण। किसी भी नए टैक्स की घोषणा नहीं। रोजगार और कौशल विकास के लिए वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के तहत 5 योजनाओं की घोषणा की। अगले 5 सालों में रोजगार सृजन के लिए खर्च होंगे 2,00,000 करोड़ रुपए। 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को मिलेगा फायदा। पीएलआई की तर्ज पर प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज में ईएलआई की घोषणा। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के तहत रोजगार देने वाली कंपनियों के लिए प्रधानमंत्री प्रोत्साहन पैकेज के तहत 3 नई योजनाओं का ऐलान। पहली बार नौकरी पाने वालों को सरकार देगी 15,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हर नए रोजगार सृजन पर सरकार ईपीएफओ योगदान में कंपनियों को देगी सहयोग। कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री के नए पैकेज की घोषणा। अगले 5 सालों में उद्योग जगत के लिए तैयार किए जाएंगे 20 लाख युवा। शिक्षा और कौशल विकास के लिए दिए जाने वाले लोन पर मिलेगी सरकार की गारंटी और सब्सिडी भी। विकसित भारत के निर्माण के लिए बजट में सरकार की 9 प्राथमिकताओं पर दिखा फोकस। खेतीबाड़ी, रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, इनोवेशन और अगली पीढ़ी के सुधारों के बुनियाद पर बनेंगे भविष्य के बजट। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा की। 3,00,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं। 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर पर 30% के टैक्स का प्रस्ताव। करीब 4 करोड़ वेतन भोगियों के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 के बढ़ाकर 75,000 रुपए। पेंशन धारकों के लिए सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए की गई। केंद्रीय बजट में दिखा वित्तीय अनुशासन पर जोर। इस साल के लिए वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान। अगले साल के लिए वित्त मंत्री ने रखा 4.5% का लक्ष्य। केंद्रीय बजट में सरकार का बुनियादी ढांचे के विकास पर साफ दिखा फोकस। सरकार का कुल पूंजीगत खर्चा 15,00,000 करोड़ रुपए के पार। सरकार का इस साल का कैपेक्स 11,11,111 करोड़ रुपए। खेतीबाड़ी और किसान कल्याण के कार्यक्रमों के लिए वित्त मंत्री ने 1,52,000 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। सरकार कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का करेगी इस्तेमाल। 6 करोड़ किसानों की जमीन की बनेगी रजिस्ट्री। दलहन और तिलहन के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी। अगले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। सब्जियों के उत्पादन और सप्लाई चेन के लिए एफपीओस, सहकारी संस्थाओं और स्टार्टअप्स को दिया जाएगा बढ़ावा। रक्षा मंत्रालय के लिए 4.5 लाख करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 2.65 लाख करोड़, गृह मंत्रालय के लिए 1.5 लाख करोड़, शिक्षा के लिए 1.25 लाख करोड़ और आईटी और दूरसंचार के लिए 1,16,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान। वित्त मंत्री ने बजट में पीएम शहरी विकास योजना 2.0 का किया ऐलान। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए 1 करोड़ घर बनाने पर होगा 10,00,000 करोड़ रुपए का खर्च। सरकार देगी ब्याज में राहत। बजट में देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विकास पर दिखेगा खास फोकस। बिहार और आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट में अलग से प्रावधान। बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 47,400 करोड़ रुपए का प्रावधान। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए मिलेंगे 15,000 करोड़। बजट में महिला कल्याण पर भी दिखा बड़ा फोकस। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 3,00,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। जनजात कल्याण के लिए बजट में नई योजनाओं की घोषणा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत देश के 63,000 गांवों में 5 करोड़ जनजातियों के लिए कल्याण की बनेगी नई योजना। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फोकस। छोटे उद्यमों को कर्ज में राहत देने के लिए नई योजनाओं का ऐलान। मुद्रा योजना में तरुण कैटेगरी में कर्ज की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई। देश में नवाचार और R&D को बढ़ावा देने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के नए फंड का किया जाएगा प्रावधान। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड का होगा गठन। स्पेस सेक्टर के लिए 1,000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड का प्रावधान। देश में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे सस्ते। सोलर एनर्जी, मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर और टेक्सटाइल पर वित्त मंत्री ने घटाई कस्टम ड्यूटी। कैंसर की 3 और दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त की गई। वित्त मंत्री ने महिलाओं को दिया तोहफा। भारत में सोने और कीमती धातुओं के ज्वेलरी बनाना होगा आसान। सोने, चांदी और प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी 9% तक घटाई गई। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किसी भी तरह के एंजल टैक्स को समाप्त करने का किया ऐलान। देश में निवेश को आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स 40% से घटकर 35% किया गया। और शेयर बाजार में वायदा कारोबार में लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान। वित्त मंत्री ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को किया सरलीकरण। अब देश में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगेगा।